कुछ और काउंटर्स जो एक्शन में दिख सकते हैं एमएनएम, आज इसके नंबर्स आने वाले हैं, इस पर तो हम फोकस करेंगे ही, बट साथ ही जो इनकी एक्सयूवी 3XO है, आई थिंक एक्सयूवी 300 का जो अपग्रेड है, वहां पर हमने देखा है 1 घंटे में 50,000 यूनिट्स की बुकिंग आपको होते हुए दिखी। कल ही इन्होंने बुकिंग खोली थी, 26 तारीख से डिलीवरी शुरू होगी और ऑलरेडी हम देख रहे हैं रिकॉर्ड रिस्पॉन्स इसको मिल रहा है। एक बार एमएनएम के चार्ट पर भी नजर डालते हैं। सुमित जी एक बार जरा इस पर राय दें, कल डेज हाई पर बंद हुआ था 2300 के लेवल पर एमएनएम सर। दिवांशु बहुत स्ट्रांग लग रहा है चार्ट, पूरा ऑटो सेक्टर में मजबूती है और ऑटो सेक्टर में एमएनएम तो बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है, लाइफ टाइम हाई लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, स्टॉक के अंदर मोमेंटम और ऊपर के देखने को मिलेंगे। 2300 के ऊपर क्लोजिंग का मतलब हो गया कि स्टॉक यहां से अच्छा मूव ऊपर की तरफ का पकड़ेगा, जिसमें इमीडिएट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टारगेट जो एमएनएम में बनेंगे वो 2350 से लेके 2375 तक के बनेंगे और पोजिशनली तो मेरे को लगता है कि ये स्टॉक 2500 प्लस क्रॉस करने को तैयार है, तो डिप में खरीदारी करें और एग्जिस्टिंग पोजीशंस तो होल्ड करके चले। अभी आने वाले 1-2 महीने और तेजी के, अच्छे तेजी के स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए एमएनएम, जहां पर बड़ा एक्शन दिख सकता है। आई थिंक इस पर बंसल जी भी अपना व्यू शेयर करना चाह रहे हैं। जी बंसल जी। दीपांशु बहुत गजब की गाड़ी है और सारे लीडिंग न्यूज़पेपर पर पूरे बीच में ना 2 पेज का ऐड आता है इसका, और जब ऐड आता है ना दीपांशु, एक बार को फोटो देख के ना मतलब कि रोज दीपांशु रुक जाती है नजरें कि किस कंपनी की, ऐसा लगता है कोई मतलब की लग्जरी गाड़ी है, फिर महीने पता चलता है वाली गाड़ी है। तो जो आपने बताया जिस तरीके की बुकिंग है और सब कुछ है, तो ये गाड़ी तो ऐसा लग रहा है कि काफी बिकेगी। तो शानदार रिस्पांस लग रहा है इस गाड़ी को आते हुए दिखेगा। मतलब आपका कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है या खाली अखबार में ऐड देख के आप ऐसा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? नहीं अनिल जी देखिए, हम तो खुद इन्फ्लुएंसर हैं अनिल जी, अगर हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, हमारी नजरें रोज उस पेज पे जाके रुक जाती हैं, पता है कि क्या है, फिर एक बार को दोबारा से उसको अच्छे से निहारते हैं, तो अनिल जी डिमांड तो होगी होगी ना, मैं तो ये मान रहा हूँ मुझको अच्छी लग रही है, तो और लोगों को भी अच्छी लग रही होगी। अनिल जी आपकी बर्थडे कब आ रही है?